नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अमेज फैक्ट्स में स्वागत है। हरदम की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आप रामायण के बारे में तो सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने होते तो आप इस वीडियो में आते ही नहीं। अगर आपको रामायण की पूरी स्टोरी नहीं मालूम है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रामायण में रावण नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर ने श्री राम भगवान की पत्नी सीता का हरण किया था और राम ने अपनी पत्नी सीता को दोबारा पाने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया था। इसलिए मैं आज आपके लिए रामायण के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में लेके आया हूँ। तो टाइम वेस्ट ना किए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पे है हनुमान। पवन पुत्र हनुमान शिव जी के अवतार है जो कि अत्यंत शक्तिशाली है और रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है और वो श्री राम के सबसे बड़े भक्त भी हैं। हनुमान के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, चाहे वो समुद्र फांद के सीता जी को ढूंढना हो या रावण के पूरे लंका में आग लगाना हो। हनुमान गदा चलाने में सबसे कुशल थे, ऐसा कोई भी देवी अस्त्र नहीं है हनुमान जी का कुछ बिगाड़ सके। रामायण में हनुमान ने श्री राम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया था और तो और अपने भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए वो पूरी द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए थे। हनुमान ने रावण के कई शक्तिशाली सेनापति को मार गिराया था। 4वें नंबर पे है लक्ष्मण। लक्ष्मण जो श्री राम के भाई, मित्र और साथी थे, लक्ष्मण ने श्री राम के वनवास से लेके रामायण के युद्ध तक उनका साथ दिया था। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं जिसपे विष्णु जी आराम करते हैं। वो एक कुशल योद्धा थे जो रावण के सेना के बड़े से बड़े योद्धाओं को हराए थे, यहाँ तक कि रावण के पुत्र मेघनाथ को भी उन्होंने ही मार गिराया था। श्री राम और हनुमान की तरह लक्ष्मण पे भी कई दैवीय अस्त्र का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। 3रे नंबर पे हैं रावण। रावण ऋषि विश्वा का पुत्र था। लंकापति रावण लंका का राजा था और वो तीनों लोगों का सम्राट था। रावण सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था जिसने यमदेव और मृत्यु को हरा दिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शंकर भगवान को लंका लाने के लिए पूरा कैलाश पर्वत जिसपे शंकर भगवान रहते थे उससे उठा लिया था। रावण के पास एक ऐसा अमृत था जिसे वो अपने नाभि में रखता था, जिसके वजह से वो अमर और अजय था, उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। यह राज सिर्फ उसके भाइयों को पता था, इसमें विभीषण भी था। आखिर में ये राज विभीषण ने श्री राम को बता दिया और इस कारण रावण की मृत्यु हुई। 2रे नंबर पे हैं राम। श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार हैं और रामायण गाथा के नायक भी। वो दशरथ के पुत्र थे जिसे ऋषि विश्वामित्र ने शिक्षा दी थी। श्री राम का धनुष यानी कि सारंग धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। रामायण युद्ध में श्री राम ने राक्षसों भाइयों के 14,000 राक्षसों की सेना को सिर्फ 1 घंटे में मार गिराया था। रामायण का युद्ध का अंत श्री राम ने रावण की नाभि पे बाण चलाकर किया था। पहले नंबर पे हैं मेघनाथ। मेघनाथ रावण का पुत्र था। रावण के कई साथी थे जो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए खलनायक बन गए थे, उनमें से एक मेघनाथ भी था। मेघनाथ बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। मेघनाथ को शिक्षा उसके गुरु शुक्राचार्य ने दिया था। उन्होंने उसे कई देव अस्त्र का भी ज्ञान दिया था। उसने एक युद्ध में इंद्रदेव को बंदी बना लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। इंद्रजीत इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार लक्ष्मण को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और इसलिए हनुमान ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी का पर्वत उठा ले आए थे। इंद्रजीत राम को मारने जा रहा था तभी हनुमान ने अपनी शक्ति से राम को गैप कर दिया था और आखिर में लक्ष्मण ने इंद्रजीत को तीर मार के उसका वध किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।